ट्रैप का आयोजन हुआ है जिसमें एक तलाटी गिरफ्तार हुआ है, क्या है प्रमाण? इसमें ये जो केस का जो फरियादी है वो सूरत में रहता है और उसके एक रिलेटिव है, उसकी एग्रीकल्चर लैंड नर्मदा जिला में नांदोद तालुका में नरखड़ी विलेज में आई हुई है। वो एग्रीकल्चर लैंड में लेबर को रहने के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सामान होता है, सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको रखने के लिए एक कच्ची जो कच्चा मकान जैसा बनाया था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेनी थी। तो ये फरियादी है, उन्होंने एक अर्जी ग्राम पंचायत में दी थी इलेक्शन ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए, और तो ये उसकी कार्यवाही करने के लिए ये जो केस में जो आरोपी नंबर वन है, आरोपी नंबर एक नीताबेन मोकमबाई पटेल, तो उन्होंने ये फरियादी और साहित इसमें जो विटनेस है उनके पास से 1 लाख रुपए की ब्राइब डिमांड की थी। तो ये जो फरियादी है वो ब्राइब देना नहीं चाहता था, तो उन्होंने सूरत एसीबी में उसकी फरियाद की, तो उसकी फरियाद के आधार पर ट्रैप का आयोजन किया। ये ट्रैप के दौरान ऐसा था कि जो आरोपी नंबर एक यानी जो तलाटी है उसने डिमांड ऐसा किया था कि मैं रेड हैंडेड यानी पैसे में रूबरू में नहीं लूँगी, लेकिन पैसे आपको गांधीनगर थ्रू आंगड़िया भिजवाना पड़ेगा, और वहाँ एक मेरा बंदा है, उनको उनका नंबर और जो नाम है वो मैं आपको मोबाइल नंबर और नाम मैं आपको दे दूँगी। तो उसके तहत ट्रैप में भी हमने थोड़ा वो जो हमारी जो कार्य पद्धति है उसको चेंज करके हमने यहाँ हमारी जो ट्रैपिंग टीम थी वो यहाँ पे फरियादी को लेके आंगड़िया पेटी में जो ब्राइब मनी थी वो देने गए, और एक पैरेलल हमने वो गांधीनगर एसीबी टीम, एसीबी के पीआई चौधरी है, उनको वहाँ पे रखा था। तो वहाँ जो पैसे लेने के लिए जो आरोपी नंबर दो महेश भी अमृत भी हजोलिया, उन्होंने दो व्यक्ति को भेजा था, तो उन्होंने 1 लाख की जो ब्राइब है वो एक्सेप्ट कर ली। उसमें प्राइमरी इंट्रोगेशन में पता चला कि ये जो दो जो आए थे जो 1 लाख लेने के लिए गांधीनगर, तो उनको नॉलेज था नहीं कि ये करप्शन का पैसा था, ब्राइब का पैसा था, या तो ये तलाटी ने भिजवाया था, तो वो दोनों के हमने विटनेस लिए है। और महेश भाई जो आरोपी नंबर दो है जो तलाटी का आदमी है, हमारी टीम ने उनको गांधीनगर से ले लिया है, और मीनवाइल कल रात को ये तलाटी बहन नीताबेन पटेल है वो भी नर्मदा जो वहाँ पर उनका घर है रेसिडेंशियल होम है वहाँ पर वो रेसिडेंट पर मिल गए, तो उनको भी लेकर आए हैं, दोनों को अरेस्ट किया है और अभी तपास चालू है। जनरली क्या होता है कि ट्रैप केस में या तो रेड हैंडेड जो आक्षेपित यानी जो आरोपी है वो रेड हैंडेड पैसे लेते हैं, या तो थ्रू किसी के पैसे लेते हैं मीडिएटर थ्रू, लेकिन वो भी मीडिएटर हैंड टू हैंड लेता है। ये आंगड़िया की सिस्टम ऐसी है कि एक जगह पे आंगड़िया को पैसे दिया जाता है और दूसरी जगह पे वो पैसे यानी वो सेम पैसे नहीं लेकिन दूसरे पैसे दूसरी जगह पे आंगड़िया पेटी दे दिए जाते हैं। तो उसमें जो फिनोप्थिलिन पाउडर हमें हम जो लगाते हैं पाउडर जो उसमें से साइंटिफिक एविडेंस मिलता है तो वो नहीं मिलता, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी ये आरोपी नंबर एक, तो उन्होंने थ्रू आंगड़िया पेटी आंगड़िया से वहाँ पे पैसे भेजने। नीता जो पटेल है इसके पहले भी कोई इस तरह का जो है ब्राइब मनी ले चुकी है उसको आंगड़िया पेड़ी के थ्रू, इसीलिए वो आंगड़िया पेड़ी के थ्रू पैसा लेती थी, इस तरह की कोई अभी तक खुलासा हुआ है? नहीं, वो अभी तो तपास चालू है, अभी प्राइमरी तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि पहले पैसे लिए थे आंगड़िया थ्रू, लेकिन अभी तपास चालू है, अभी प्राइमरी स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात में एंटी करप्शन जो टीम है वो बेहद एक्टिव है। ऐसे में आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन अनेक जो घटना है वो देखने को सामने मिलती है। ऐसे में एक और मामला सामने निकल कर आया है जहाँ पर एक सूरत का रहने वाला एक व्यक्ति जो है जिसका लैंड जो है नर्मदा जिले में थी, और वहाँ पर मकान बनाने के लिए बिजली का जो कनेक्शन होता है उसे लेने के लिए जिला पंचायत में जो है वो एक अर्जी की थी, जिसके आधार पर नीता पटेल नाम की जो तलाटी है वो उसके संपर्क में आती है और इस पूरे मामले को यानी कि कनेक्शन देने के मामले में 1 लाख की रिश्वत जो है नीता पटेल जो वहाँ की तलाटी थी उसने फोन पर जो है बातचीत की थी, और वो जो पैसा था
वो खुद लेना नहीं चाहती थी। यही वजह है कि उसका जो एक मुख्य सूत्रधार जो मुख्य जो आदमी था वो महेश करके जो गांधीनगर में उसका एक इंस्टीट्यूट चलाता है वहाँ पर बैठकर वो पैसे देने की बात कही थी। आपको बता दें कि जो शिकायत करता है वो रिश्वत देना नहीं चाहता था क्योंकि बड़ी रकम थी, क्योंकि कनेक्शन लेने के लिए जो गांव होता है, जो लैंड होता है, जो किसान होते हैं इतनी बड़ी रकम जो है वो रिश्वत नहीं दे पाते हैं। ऐसी इस मामले में जो रिश्वत लेने वाला जो व्यक्ति है और शिकायत करता है वो सीधे संपर्क करता है एंटी करप्शन ब्यूरो को, जहाँ पर एक शिकायत दर्ज होती है और दर्ज होने के बाद, क्योंकि जो पूरा मामला है ये सेंसिटिव था और कहीं ना कहीं रिश्वत का जो खेल था ये पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं एक अलग एक तरफा जो था, क्योंकि जो आपको बता दें कि जो पैसा था 1 लाख रुपये वो सूरत नहीं बल्कि गांधीनगर में बैठे हुए महेश नाम का जो युवक था उसे वहाँ पर लेना था, और इसीलिए एंटी करप्शन की जो टीम थी वो गांधीनगर की जो एसीबी जो टीम थी उनको जो इन्फॉर्म किया गया कि इस आंगनिया पेड़ी का जो ऑफिस है वहाँ से जो रिश्वत लेने के लिए कुछ जो एक युवक आएगा, उस तरह का जो है पूरा प्लान किया गया है। सूरत में आंगनिया पेड़ी के थ्रू जो है शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये जो दिया जाता है और वहाँ पर देने के बाद जब ये पैसा लेने के लिए महेश अपने किसी दो युवक को व्यक्ति को आंगनिया पेड़ी पर वहाँ भेजा जाता है, और जैसे ही वहाँ पर पैसा 1 लाख रुपये की रिश्वत वहाँ पर दोनों व्यक्ति लेने जाते हैं वैसे ही एसीबी की जो टीम है गांधीनगर की वहाँ पर रंगे हाथ वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब इन दोनों से जब पूछताछ होती है तो इन दोनों जो है इन्हें कुछ पता नहीं होता है और इस पूरे मामले में, जिसकी वजह से जब पूछताछ होती है तो उसमें बाहर जो मामला निकल के आता है कि जो महेश नाम का जो हजुलिया नाम का जो व्यक्ति है वो जो है गांधीनगर में एक इंस्टीट्यूट जो चलाता है उसी के अंडर में जो है नीता पटेल नाम की जो तलाटी है जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हाल में वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लास आता है, उसी के अंडर में जो है नीता पटेल नाम की जो तलाटी है जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हाल में वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्लास ली थी, वहाँ से ही लेकर जो है यहाँ पर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो संपर्क था और ये आंगनिया पेड़ी का जो है जो सिलसिला था, जो ये नेटवर्क था, कहीं ना कहीं एक अलग तौर पर जो है ये ब्राइब का जो है नया जो केस सामने आया है इसको सुनकर भी एसीबी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आंगनिया पेड़ी का जो ये मामला ये फर्स्ट टाइम सूरत में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब महेश जो नाम का व्यक्ति है और नीता पटेल जो तलाटी है उन दोनों को जो है तापी पुलिस स्टेशन और गांधीनगर की एसीबी पुलिस स्टेशन दोनों को गिरफ्तार करके सूरत लाया गया, और सूरत में उनके साथ जो है पूछताछ चल रही है कि आखिर इससे पहले भी कितनी जगहों पर जो है इस तरह के लोगों से ब्राइब की ममनी मांगी गई है, और एंटी करप्शन की जो टीम है सूरत और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इससे पहले कुछ और ब्राइब ली गई है क्या, इस पूरे मामले में अंदरूनी अंदर जाके पूरी पूछताछ होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आंगनिया पेड़ी के थ्रू जिस तरह से पैसा ट्रांसफर का लेन देन ब्राइब के तौर पर किया जा रहा है तो ये होश उड़ाने वाला देने वाली ये घटना है, और इसमें गुजरात सरकार जो है एंटी करप्शन की जो टीम गठित की है कहीं ना कहीं अब एक्टिव दिखाई दे रही है, इसी वजह से अब एक के बाद एक मामला जो है वो सामने आ रहा है, और अब इसमें जो लॉन्च मांगने वाले जो है जो ब्राइब मांगने वाले जो अधिकारी है लगातार जो है एसीबी के शिकंजे में हो रहे हैं। सूरत से राजेश विश्वकर्मा।